जो सर्विलेंस की है और थाना चंदौली, इनके द्वारा एक ट्रक पकड़ा गया, कंटेनर ट्रक, जिसके अंदर जो शराब थी उत्तराखंड से, उत्तराखंड की देसी शराब थी, जिसमें शीशियों में 200 ml की शीशियाँ थी जिसके अंदर, और 801 पेटी, मतलब कि जिसके अंदर 801 पेटी थी, और उसके अंदर जो माल तकरीबन 7000 लीटर माल इसके अंदर है, जो कि कीमत इसकी बिहार के अंदर जो स्मगल होकर बिकती है लगभग 50 लाख की ये बिकती है। इसमें कभी उसको भी अरेस्ट किया गया है, जिनका नाम कृष्ण है, ये सोनीपत के रहने वाले हैं, और ये जो सभी शराब है ये पास होती हुई अलग अलग जगहों से जहाँ से स्मगल की जाती है और इसको फिर बिहार लेके जाया जाता है। तो हमारे जनपद चंदौली ने टीम ने इसको इनको सीज़ किया है और इनके ऊपर जो भी कार्रवाई है विधि कार्रवाई वो की जाएगी। कंटेनर भी है इसके अंदर, जो ट्रक है उसको भी सीज़ किया गया है, और जो भी इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, जो लोग बिहार की तरफ इसमें मिले हुए हैं या जो लोग इसको विभिन्न राज्यों से यहाँ बेचते हैं, उन सभी पे भी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर की भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्रवाई और बरामद की है, मेरी तरफ से सर्विलेंस टीम को और थाना चंदौली को 25,000 का इसमें इनाम भी दिया जा रहा है।